मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। ऐसे में पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी है। पालघर जिले में भारी बारिश के बाद मुंबई अहमदाबाद की तरफ जाने वाला जो राजमार्ग है उस पर यातायात पूरी तरह बाधित है। आपको बता दें महाराष्ट्र के पालघर जिले में बृहस्पतिवार को भारी बारिश और नदियों के उफान पर होने के कारण मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। पालघर के जिला कलेक्टर डॉक्टर मणिकुरसाल ने बताया है कि नवसारी और गुजरात के अन्य हिस्सों में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर जलभराव देखा गया, जिससे वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई। उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर छोटे वाहनों के परिचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है और पड़ोसी राज्य में सड़क मार्ग साफ होने तक अन्य सभी वाहन चालकों को गुजरात की ओर नहीं जाने देने की सलाह दी जा रही है। पालघर जिले के अधिकारियों ने बताया है कि बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में पालघर में औसतन 222 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मुखाड़ा में 296.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस मौसम में जिले में अब तक 1460 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। पालघर जिले की तरफ से अगर आप गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि मुंबई से गुजरात की तरफ अब अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पालघर जो गुजरात से सटा हुआ जिला है वहां पे बारिश का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। ऐसे में अगर आप वहां ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं कि आप उधर ना जाएं। जो छोटे वाहन हैं उनको बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहां पे सड़कों पे पानी लगा हुआ है।